राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंगल कलर में पड़ने वाला डिज़ाइन बताऊंगी। तो मैंने वाइट कलर लिए, वाइट कलर से बनाऊंगी और इसमें मैंने 24 फंदे डाल लिए हैं और बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है और दो दो फंदों का डिज़ाइन है। दो फंदे दो फंदे दो फंदे करते हुए ये डिज़ाइन बनेगा। तो आप बॉर्डर बनाएं, बॉर्डर बनाने के बाद में इस तरीके से दो दो फंदों को मल्टीपल से आप फंदे रख सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाला इजी डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहली सिलाई है। तो आप बॉर्डर बनाएं, बॉर्डर बनाने के बाद इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये पहली सिलाई है जिसको हम इस तरीके से बुन के पूरा सीधा सीधा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो आप इसे किसी भी स्वेटर में डालें, जेंट स्वेटर में, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, सॉक्स, किसी में भी आप इसे डाल के बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और ये हमारी पहली सिलाई बन गई है। अब इसकी दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, तो इसे हम पूरा उल्टा बना के तैयार करेंगे। सारे फंदे इस तरीके से निकालते हुए पूरा उल्टा बनाते हुए इसको पूरा करेंगे। तो इसको बुन लेते हैं। अब इसकी सीधी सिलाई है तीसरी सिलाई। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी साइड करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो फंदा है इसको स्लिप करेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी सिलाई तो सीधी है लेकिन हम फंदा उल्टा निकाल रहे हैं इस तरीके से। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो बस इन्हीं दो फंदों को बुनते हुए जाना है पूरी सिलाई में। फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप और एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से पूरी सिलाई को हम बनाते हुए जाएंगे। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद में फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा बनेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई बन गई। अब इसकी चौथी सिलाई है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऊन को पीछे की, और ये जो हमने स्लिप किया था ये वाला फंदा, इसको हम सीधा बुनेंगे। ऐसे ऊन को अपनी साइड करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसे ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ बीच में जो स्लिप किया था इसको सीधा बुनेंगे उल्टी सिलाई में। ऐसे ऊन को पीछे करके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे इस फंदे को सीधा, ऊन अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा। तो ऐसे ही हम ये दूसरी चौथी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और सीधा फंदा हमारा जो हमने स्लिप किया था उसको हम बनाएंगे। ये जो बीच का फंदा सीधा है इसको हम सीधा बुनेंगे, उल्टी सिलाई में सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर ऊन अपनी तरफ करके उल्टा फंदा, ऊन को पीछे किया, ये जो बीच का फंदा इसको सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये चार सिलाई बन गई हैं हमारी और डिज़ाइन ऐसे दिखने लगा है। अब इसके ऊपर हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। सारे फंदे सीधे बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पांचवी सिलाई है और इसको हम पूरा सीधा बनाएंगे। तो इसको बुन लेते हैं। और अब इसकी छठी सिलाई है, उल्टी सिलाई, तो इसको भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इसको भी हम पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो इसको भी उल्टा बुन लेते हैं। तो
अब इसकी सातवीं सिलाई है, ये भी हम पूरी उल्टी सीधी बनेंगे। सीधी सिलाई है सातवीं सिलाई, इसको हम पूरा सीधा बुनेंगे, और इसकी उल्टी सिलाई आएगी आठवीं सिलाई, उसको भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये चार सिलाई बनाई है डिज़ाइन के ऊपर, इसे आप छः भी बना सकते हैं, थोड़ी सी दूरी पे बनाएं तो। इसमें मैंने चार सिलाई ऊपर बनाई है, ये सीधी और उल्टी। और अब इसकी आठवीं सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो इसको बुन लेते हैं। तो इसकी चार सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, और यहाँ पर हम फिर से इन्हीं सिलाई दो सिलाइयों को दोहराएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उनको अपनी साइड करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर इसको उल्टा बुनेंगे, ऐसे स्लिप करेंगे, और इस वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो जैसे नीचे की सिलाई बनाई है उसी तरीके से इस सिलाई को बनाएंगे। बस इन्हीं दो सिलाइयों को बनाना है, बाकी तो सीधा उल्टा है। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई भी इसे बना सकता है, किसी में भी इसे डाल के बना सकते हैं। और बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, और बनाने में बहुत आसान है। इस तरीके से जैसे नीचे की लाइन बनाई थी उसी तरीके से इसके ऊपर भी ऐसे बनाइए। अब इसकी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे नीचे सिलाई बनाई है। तो ये इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेते हैं, उनको पीछे, और फिर ये वाला फंदा जो है जो हमने स्लिप किया इसको सीधा बनेंगे। उन अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, पूरी लाइन को इसी तरीके से बुनते हुए जाएंगे। तो इसको भी बना लेते हैं। ये सीधा उल्टा ही है, एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसे बनाइए, ट्राई ज़रूर करिए, और बताइए कैसा लगा ये डिज़ाइन, और आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए कमेंट में बताएं, जिससे कि उसे भी बताने की कोशिश करेंगे। तो डिज़ाइन बन गया है हमारा ऐसे। तो बस इन्हीं के ऊपर फिर से ये चार सिलाई सीधी और उल्टी बनाएंगे, फिर ये डिज़ाइन, फिर सीधी उल्टी चार सिलाई, फिर ये डिज़ाइन, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।